बाद अब कर्मचारी कैशलेस सुविधा को लेकर सरकार पर हमलावर हुए हैं। आरोप है कि कैशलेस सुविधा की बात पिछले 6 साल से महज कागजों तक सीमित है। आपको बता दें कि सपा के बाद योगी सरकार एक और 2.0 प्रदेश के एक भी कर्मचारी को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं प्रदेश में 16 लाख कार्यरत और 12 लाख रिटायर कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कैशलेस सुविधा को लेकर कैबिनेट में सहमति बनी थी। वहीं कर्मचारियों ने नवम्बर 2013 में 10 दिन तक पूरे प्रदेश में हड़ताल किया था। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल खत्म हुई, जिसके बाद कैशलेस पर उनकी सहमति बनी थी और उस दौरान 3 लाख कार्ड भी बनाए गए थे। आपको बता दें कि सरकार ने पहले बने 3 लाख कार्ड को निरस्त कर दिया। इन कार्डों से 5 लाख तक इलाज फ्री था, तो वहीं अब नए कार्ड बनाने की बात हुई थी लेकिन बन नहीं पाया। यहां तक सरकार और शासन के अधिकारी अभी तक अस्पताल का चुनाव नहीं कर पाए हैं कि कहां-कहां इलाज की सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।